नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैनिक गणित में। आज के इस वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जोड़ में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, घटाना में कैसे ज्ञात किया जाता है, गुणनफल में गुणा के रूप में संख्याएँ लिखी गई हैं तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे गुणनफल का, फिर अगर जो घातांकी रूप में संख्याएँ लिखी गई हैं तो उसके गुणनफल या फिर योगफल या फिर अंतर में इकाई का अंक क्या होगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मुख्यतः इसमें हम बेसिक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, एडवांस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि उसको यदि हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या को यदि जोड़ा गया है तो उसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, जैसे अगर जो मान लिया संख्या लिखी गई है 3, 4, 5, इसमें लिखा गया 2, 7, 8 प्लस करके और ये 4, 9, 5। तो इस तरह से यदि संख्या कोई लिखी गई है, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं योगफल के रूप में, तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे कि इसके योगफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई 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 को जोड़ लेंगे। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दो डिजिट में आ रही है संख्या तो उसको जोड़ते चले जाएंगे। देखिए, जोड़ने का मतलब हुआ कि 5 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 होगा। अब ऐसा नहीं है कि 13 में हम 5 को जोड़ेंगे, फिर इसके इकाई का अंक ले लेंगे ये 3 और इस 3 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो इसमें जो योगफल आएगा उसके इकाई का जो अंक होगा वो 8 होगा। यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 5 है तो इस 3 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 3, 5, 8 होगा। यहाँ पे जो भी डिजिट आए वो अलग है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके इकाई के जगह पे 8 ही आएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4, 5, 8 + 7, 3, 9 - 2, 5, 6। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है और पूछा गया है इसमें जो इसका आंसर आएगा उसके इकाई का अंक कितना होगा। तो क्या करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ पे जोड़ है यहाँ पे घटाना है, तो पहले इसमें जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 आएगा, इसमें इकाई का अंक आ रहा है 7 और यहाँ पे 6 है इकाई का अंक, तो 7 में से 6 घटा देंगे, 7 ऋण 6 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1। यानी जो भी इसको हल करने पर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर कुछ भी आए लेकिन यहाँ पर 1 ही आएगा। अब मान लिया जाए एक दूसरा क्वेश्चन, इसी को हम अगर जो 6 बना लें तो 8, 6, 14 होगा, 14 में इकाई का जगह 4 होगा और यहाँ पे 6 है, तो 4 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो घटाने का नियम जो होता है उधार लेकर के घटाना, तो यहाँ पे 14 में से 6 को घटाएंगे तो फिर ये 8 आने लगेगा। तो योगफल और ये अंतर के रूप में अगर जो लिखा गया है तो ये सिंपल है, इसको आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं को गुणा के रूप में लिखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, तो उसको ज्ञात करने का तरीका सिंपल है। पहले एक चीज इस बेसिक जान लीजिए कि यदि गुणा के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं और किसी भी संख्या के इकाई के जगह पे 0 है तो गुणनफल में इकाई के जगह पे 0 आएगा ही आएगा, चाहे किसी एक संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर एक से अधिक संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है, तो गुणनफल में हमेशा इकाई की जगह पर 0 ही आएगा। जैसे कहने का मतलब है, मान लिया जाए 2, 0, 5, 7, 8, 9, 5, 5 इस तरह से संख्याएं लिखी गई हैं, तो इसको हम देख करके कह सकते हैं कि एक संख्या में यहाँ इकाई के जगह पे 0 आया है तो गुणा करने पे इकाई के जगह पे 0 ही आएगा, बाकी जो भी आए उससे नहीं कोई मतलब है। हमसे जो पूछा जा रहा है इकाई का स्थान क्या होगा, तो इकाई का स्थान 0 ही होगा, बाकी ये इधर की संख्याएँ कुछ ना कुछ तो होंगी ही होंगी। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी एक संख्या में इकाई के जगह पे यदि 0 आ रहा है तो उसके साथ चाहे जितनी भी संख्याओं का गुणा किया जाए तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट, अगर जो हम गुणा के लिए देखा जाए, मान लिया ये 0 नहीं आया है तो मान लिया जा दे दिया गया 88 × 67 × 65 × 99। अब इस तरह से यदि संख्याएं लिखी गई हैं गुणा के रूप में और आपसे पूछा जाता है कि इसके गुणनफल में इकाई का जगह इकाई का स्थान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इकाई 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 का गुणा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सबका गुणा करते चले जाएंगे, देखिए कैसे करेंगे, 8, 7
आठ और सात का गुणा करेंगे, 8 7 56 होगा, यहाँ पे 56 आया। हम इकाई का जगह केवल लेंगे यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि 56 में फिर पांच का हम गुणा करेंगे, केवल 8 और 7 का गुणा किया, 8 7 56 आया, फिर ये जो इकाई का स्थान आया इसी इकाई से इस इकाई का गुणा करेंगे, तो 6 5 30 आ गया। अब यदि 30 आ गया गुणनफल में, इसका यूनिट प्लेस 0 आ रहा है, तो इस 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। वैसे तरीका यही है कि इसका जो यूनिट प्लेस आ रहा है फिर इसके यूनिट प्लेस से गुणा करिए, तो 0 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 0 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी इसके गुणनफल का जो इकाई का जगह होगा वो 0 होगा, इधर का कुछ भी हो। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लिया दिया गया है 3 × 7 × 9 × 25 × 37 ही लिख लीजिए, तो इसके गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए 3 7 21, 3 और 7 का गुणा करेंगे 21 आया, फिर इस 1 का इस 9 के साथ गुणा करेंगे तो 1 × 9, तो ये 9 ही आएगा, फिर 9 का 5 के साथ गुणा करेंगे 9 5 45, फिर 45 आ रहा तो इसका यूनिट प्लेस ले लेंगे ये, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो संख्या है, सारी संख्याएं लिखी गई हैं गुणा करने के लिए, तो गुणा करने पे जो भी आएगा गुणनफल उसके यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, यहाँ पे अन्य डिजिट कुछ भी हो लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। तो ये है गुणनफल में इकाई का स्थान ज्ञात करने का तरीका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। जैसे मान लिया जा लिखा गया संख्या 385 × 876 × 765, इस तरह से संख्याएं लिखी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई का स्थान क्या होगा, तो इकाई वाले जो स्थान है उनका गुणा कर लीजिए, 5 का 6 के साथ गुणा करेंगे, 5 6 30 आ गया। अब इसका यूनिट प्लेस यदि 0 आ गया तो इसके आगे जो भी यूनिट प्लेस पे संख्या होगी सभी का गुणा करने पे 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पे इसको बिना गुणा किए हम ये बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, बाकी कुछ भी आए। तो इस तरह से हम यूनिट प्लेस को ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।